Today I am going to tell you a monetization icon guide for YouTube Studio. आपके जब monetization हो जाता है तो वीडियो के सामने कुछ icons बन के आते हैं, वो क्यों आते हैं इसको हम बताने जा रहे हैं. If you are in YouTube Partner Program, you can turn on ads for video if your video meet our advertiser friendly content guideline. अगर advertiser के guideline के according आपका video है तो आप अपने video के लिए एड्स को ऑन कर सकते हैं. When you turn on ads, you will see the monetization icon next to each video. That icon means I am going to tell you it depends upon several factors including copyright claim, revenue sharing and advertiser friendliness. जो कि copyright claim और revenue sharing पे depend करते हैं. जिसमें से है if watch आती रहती है आपके इसके if the Watch means checking है, आइकॉन आपका वेट कर रहा है कि आपका वीडियो एडवर्टीजमेंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं. ग्रीन आता है तो सेट करता है मीन्स कि एलिजिबल है. येलो आता है तो मीन्स कि मेक एडजस्टमेंट और मेक एन अपील, आपका वेट में है, आप उसके लिए अपील कर सकते हैं. अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है एडवर्टाइजर के तब वो ग्रीन में चेंज हो सकता है. रेड मींस कि आपका वीडियो एलिजिबल है, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक है या कोई आपने कंटेंट आईडी किसी का यूज किया है. इफ द आइकॉन इज ग्रे मींस कि आपने खुद ही मोनेटाइजेशन उस वीडियो का ऑफ कर दिया है. चेकिंग इसी को हम डिटेल में बताने जा रहे हैं कि चेकिंग में क्या होता है. चेकिंग में यूजली टेक लेस देन 20 मिनट एंड एट मोस्ट 1 आवर. जो चेकिंग के समय आप उसमें ऐड मत लगाइए, उसमें चेकिंग के समय 20 मिनट या एक घंटा भी लग सकता है और चेकिंग के बाद वो बताता है कि वीडियो आपका एलिजिबल है कि नहीं है एड्स के लिए. ऑन मीन्स है कि आपका वीडियो एलिजिबल है और एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन को फॉलो करता है तो आपका रेवेन्यू इसमें मिल सकता है, तो इसमें आप अपना एड्स लगा सकते हैं. लेकिन कभी कभी वो रेवेन्यू थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि उसमें इनवैलिड ट्रैफिक आता है या कॉपीराइट डिस्प्यूट होता है. ग्रीन आइकॉन्स का मतलब हम लोग के लिए है कि फुल अर्निंग, लेकिन एक्सेप्शन लिख के जब ऑन की जगह आता है दैट मीन्स कि दिस वीडियो इज फॉर मेंट फॉर द किड्स, तो उसमें नॉन पर्सनलाइज एड्स आते हैं और वो किड्स के लिए होता है. शेयरिंग, अब शेयरिंग मीन्स है कि ग्रीन आइकॉन के साथ शेयरिंग का मतलब है कि आपने किसी का सॉन्ग यूज किया है और वो सॉन्ग वाला कह रहेगा कि आपका वीडियो से जो अर्निंग होगी उसको हम शेयर करेंगे और आप अगर एग्री करते हैं तो आप उससे इस वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं. तो यहाँ पर एस्क्रॉज मीन्स रेवेन्यू इज बींग हेल्ड सेपरेटली ड्यूरिंग द कॉन्टेंट आईडी डिस्प्यूट प्रोसेस. आपने किसी का कंटेंट यूज किया तो कंटेंट आईडी डिस्प्यूट में आपका वीडियो है और जब वो थर्ड पार्टी रेडी हो जाती है आपके कंटेंट देने को तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती है और तब आपको रेवेन्यू मिलता है. तो कॉपीराइट क्लेम के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आप जिसका मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका डिस्प्यूट सॉल्व होगा तभी आपको रेवेन्यू मिलेगा. लिमिटेड मीन्स है कि इट इज अंडर रिव्यू, एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है इस वजह से ये लिमिटेड पे लगा हुआ है. तो उसको रिव्यू में तीन तरह से रखा जाता है. पहला होता था कि आपका रिव्यू जब रहता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा एडवर्टीजमेंट लगा दीजिए और रिव्यू अगर प्रॉपर नहीं, अगर आपका लिमिटेड जो लगा है वो प्रॉपर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करिएगा तो आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस ऑन हो जाएगा और ग्रीन येलो ग्रीन में चेंज हो जाएगा. अब दूसरा है कि आपका वीडियो जो है करंटली कॉजिंग लिमिटेड और नो एड्स में बट वीडियो इज अंडर रिव्यू, दैट मीन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट इज रिव्यू दिस वीडियो. Our specialist can keep or change the monetization status. Their decision is final.
अब ये YouTube पर डिपेंड करता है कि येलो है तो वो उसको मोनिटाइज करने के लिए आपको एलिजिबल करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो कुछ इसमें प्रॉब्लम देखता है तो वो आपको येलो को ग्रीन नहीं करेगा। और अगर बहुत अधिक डिस्प्यूट है तो उसको लॉक भी कर सकता है थर्ड कंडीशन में, इनएलिजिबल। रेड डॉलर कब आएगा? जबकि आपका कॉपीराइट क्लेम है या कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आपका वीडियो मोनिटाइज नहीं होगा। व्हाट द रेड आइकॉन मीन्स फॉर यू? कॉपीराइट क्लेम या टेक डाउन रिक्वेस्ट है, जिसका कंटेंट आईडी वो कह रहा हटाओ ये, हम नहीं तुमको अलाउ करेंगे कि तुम उसको यूज करो, तो आपको ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, तो आपका वीडियो हटाना पड़ेगा। ऑफ, आपने खुद ही अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है तो डॉलर ग्रे कलर का आएगा। अब आया व्हाट द ग्रे आइकॉन मींस फॉर यू। ग्रे आइकॉन मींस कि कॉपीराइट क्लेम डिस्क्रिप्शन सेज कॉपीराइट क्लेम एलिजिबल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग, दैट मींस समवन एल्स ओन कॉपीराइट ऑन कंटेंट विद इन योर वीडियो एड्स एंड आर रनिंग एंड रिव्यू इज गोइंग टू द कॉपीराइट ओनर। The good news for you is that the copyright owner is open to sharing revenue with you. If you change the monetization status to on, you will get partial revenue for this video. अगर आप ऐसा वीडियो जिसमें क्लेम है उसको ऑन करते हैं तो आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका वीडियो चल ही नहीं रहा है। What the icon changes from green to yellow? कब why icon change yellow to green? Sometime video monetization icon in video manager change between green and yellow. This is because our automated ad system run multiple scan to figure out whether the video meets our advertiser friendly content guideline. आपका वीडियो एक ही बार रिव्यू नहीं होता, कई बार होता है, तो ग्रीन से येलो, येलो से ग्रीन भी हो सकता है। अगर वो ऑटोमेटेड सिस्टम ये फाइंड आउट करता है कि ये एलिजिबल नहीं है कि इसको ग्रीन करें मोनिटाइजेशन के लिए, तो आपका वीडियो येलो भी हो सकता है ग्रीन से। सो बी केयरफुल एंड यूज द दीज फैसिलिटी फॉर ड्यूरिंग मोनिटाइजेशन टू गेट रेवेन्यू अप्रोप्रिएटली। सो थैंक यू व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, गो टू द कम्युनिटी एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। Nobody is going on community. Please help me and go to the community and please subscribe my channel. Thank you.